सारा चौसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हे वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। तो आज के वीडियो हम करते हैं शुरू, तो लेट्स बिगिन अ न्यू डे विद न्यू व्लॉग, लेट्स स्टार्ट। पी हो गया था, मैं राशन लेके आता था डिपो से, क्योंकि सुबह सुबह जाते भाई अकेले, देख के आते लेके आते हैं। मेरा दिल ये देसी गल्ले की दुकान, तो भाई मैं तो राशन ले आया था देखो, और बाकी जिस टाइम मैं शॉप पे गया था ना उस टाइम तो कोई था नहीं अलेक्सा स्टॉप। सो फिलहाल जब मैंने वीडियो आया था उस टाइम तो कोई आया था, सबसे पहले मैं पहुंचा था, इस चक्कर में फिलहाल कोई इशू नहीं हुआ, बहुत इजीली मिल गया। और भाई फिंगर आज कल आपको बताया सब चीज़ें अपडेट हो गई, ऑनलाइन सब कुछ हो गया, तो भाई फिंगर लगे गए ही सब कुछ मिलता है, तो बिना फिंगर के आपको कुछ नहीं मिलता। तो भाई ये सिस्टम ऐसा अच्छा कर दिया इसमें, थोड़ा सा अब थोड़ा सा कह सकते हैं फ़ायदा भी होता है, थोड़ा लेट भी होता है क्योंकि वेट करना पड़ता है, वेबसाइट वैसे गवर्नमेंट की बड़ी स्लो चलती है, तो भाई क्या कह सकते हैं। बट आई थिंक मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की वेबसाइट में थोड़ा सा उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए जिससे थोड़ा सा वेबसाइट थोड़ा फास्ट चले, बस थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा हो सकता है, ऐसा चीज़ें होती हैं, थोड़ा लेट हो गया, फिलहाल भी थोड़ा फटाफट रेडी हो जाता हूँ। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं, हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है, ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है, हमारे इंडिया रह रहा है ना। अभी जो मैं जस्ट मैं देखा था एक स्कोर था यूट्यूब पे, और काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हो सके भाई ट्रोल करना और कोई सोल्व हो सके, तो फिलहाल मैं सोचा कि देखो किसी भी क्रिएटर की मैं वो नहीं करता, प्राय नहीं करना, बट एक चीज़ उस स्टेटमेंट के चक्कर में भाई सब लोग उसको हेट दे रहे हैं और वो सच्चाई भी है। दूसरा ऐसे ही नहीं हो सकता, आप ये नहीं कह सकते कि भाई देखो कोई भी जो बच्चा होता है या छोटा होता है वो कभी ये कहता है मैं बड़े को पैदा करा, तो वो वाले स्टेटमेंट से उनका ये लग रहा है। और दूसरा भाई मैं मतलब देखो उस बात को शायद आज से आई थिंक 3 से 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए होंगे, तो उसके बाद मतलब उसके बाद उस बंदे ने मतलब सोरी जोशी ने अपोलाइज करा आपकी, मतलब सॉरी बोला, तो भाई सॉरी बोल के एहसान करा भाई, मतलब सॉरी बोलने का स्टाइल देखोगे मतलब हंसी आ रही है यार, मतलब सॉरी बोल के यार क्या बंदे ने सॉरी बोला यार, मतलब ऐसा सॉरी बोलते हैं भाई हंस के सॉरी बोल रहा है जिसको ऑफेंड, भाई ऑफेंड किया तो ना बात ही गलत करी थी, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत था, तूने बोला अपने स्टेटमेंट को तो सही करने की कोशिश कर रहा है, भाई वो गलत है। उत्तराखंड को सिर्फ तुम ही नहीं, वो अकेले तुम नहीं दिखा रहे भाई, उत्तराखंड पहले से फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, और हर कोई हर एक चीज़ फेमस है, आप भी जानते हो उत्तराखंड में किस लिए फेमस है। और भाई जस्ट एक और वीडियो में देखा था तो क्रेजी दीप करके वो रोस्टर भाई, उसने वीडियो बनाई है, मोस्टली मैं उसकी वीडियोज़ देखता हूँ भाई की, तो काफ़ी अच्छी वीडियोज़ लगी मुझे, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देखना भाई। मतलब पहली बार लगा कि यार क्रिएटर यार, मतलब देखो हर कोई क्रिएटर, मैं भी क्रिएटर भाई, छोटा हूँ मैं चाहे बड़ा हूँ डजेंट मैटर, बट क्रिएटर क्रिएटर होता है, लेकिन भाई इस टाइप की हरकतें अगर आप करोगे तो भाई मैं आपको फिर क्रिएटर की लाइन में समझता हूँ, क्योंकि आप जब से मतलब मैं देख रहा हूँ कि मोस्टली वीडियोज़ मैंने देखी हैं कि भाई हर कोई वीडियो बनाता है कि भाई घमंडी सोचो उसी घमंडी एटीट्यूड वो है, बट मैं समझता था तब मैं समझता था कि यार छोड़ो कोई नहीं, हो सकता कि बंदा उससे हो जाता है, क्योंकि तो बड़ी कहते हैं ना एक बड़ी ताकत आती है तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, बट ऐसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, तुम इतने बड़े सब्सक्राइबर गेन करके बैठे हो तो भाई आपके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप इस टाइप से अगर बोल रहे हो तो वो गलत है। बाकी सोचा कुछ इंटरेस्टिंग लेके आऊँगा इसका अगेंस्ट में, क्योंकि हमारी उत्तराखंड की व्यवस्था हो रहा भाई कोई अच्छी बात नहीं है, उसके ऊपर एक लाएगा धमाकेदार चीज़ कुछ ना कुछ तो मैं लेके आऊँगा, तो भाई बस। बाकी और जितने भी हैं सौरभ जोशी वाले जितने भी मैं उसमें मतलब कमेंट सेक्शन बॉक्स में आके भाई कुछ बोलने वाले, भाई एक चीज़ ध्यान रखना उसको सपोर्ट कर रहे हो तो भाई वो देखो वो आज तुमने कितना उसको सपोर्ट किया, और आज देखो उसने उत्तराखंड कितनी बड़ी तोहिन करी है, तो भाई ये बहुत बड़ी बेइज्जती हमारे उत्तराखंड। भाई तू बोल क्या रहा है, उत्तराखंड जिसे जाना जाता है देवभूमि के नाम से, जो फेमस है तीर्थ स्थल की वजह से, जो फेमस है ऋषिकेश वहाँ की गंगा आरती की वजह से, जो फेमस है केदारनाथ भगवान, भैया आज का लड़की जी का ड्रीम है कि जीवन में एक बार यार एक बार तो केदारनाथ के टेंपल पे जाने ही है। उत्तराखंड जो फेमस है वहाँ के फ्रीडम फाइटर लाइक कालू सिंह जी महाराज, वहाँ का कल्चर, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ के आर्मी चीफ बिपिन रावत, भैया तुझे मालूम नहीं है। क्लोज करते हैं फिलहाल, थोड़ी सी एडिटिंग करनी है और थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तो आई होप कि आपको लोग पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड वंदे मातरम।